हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राधा एंड टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक विच इज़ हैंडमैन ऑपरेटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो चलिए बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा किस लिए यूज़ होता है, इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज़ किस लिए होता है। इट इज़ यूज टू असाइन समथिंग टू द वेरिएबल। मीन्स दैट जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका यूज़ हम वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी हमारा एक वेरिएबल है तो हमें इसे असाइन कर रहे हैं सी में। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम असाइन करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई वैल्यू हो या फिर कोई वेरिएबल हो, हम उसे दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सुबह स्वार्थ करते हैं हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि इक्वल टू है। ठीक है, इट हैज़ अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। नॉर्मल किसी भी वैल्यू को इक्वल करने के लिए ए इज इक्वल टू 10 हो गया जैसे। ठीक है, ये इक्वल टू का सिंपल यूज़, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स होते हैं तो कुछ को देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्लस इक्वल टू, जिसे बोलते हैं ऐड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है माइनस इक्वल टू, जिसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे नेक्स्ट डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे नेक्स्ट होता है राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है बिट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है बिटवाइज एक्सोर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और लास्ट होता है बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बात करेंगे हम फर्स्ट की। हमने बताया आपको सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ किस लिए करते हैं। नॉर्मल एक वैल्यू के एक वेरिएबल के इक्वल रखते हैं हम कुछ भी एक, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू 10, जैसे यहाँ पे दे रखा है इंट ए इज इक्वल टू 10। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो ए के इक्वल रखे हैं हमने 10, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ए, सॉरी इक्वल टू। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है गाइस, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे हमारे प्लस इक्वल टू हो गया, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो क्या है, अगर हम ए माई, जैसे हमने ए की वैल्यू, हमने ए की वैल्यू को 10 सेट कर दिया, 10 ए इज इक्वल टू 10 सेट कर दिया। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। इन दोनों लाइन का मतलब सेम ही होगा कि ए प्लस इक्वल टू 10 लिखें या फिर लिखें ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ए इज इक्वल टू 10, सो हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू 10, तो उसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 10। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो 20 आएगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में तब करते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं पेल्ट्रॉम नंबर का और एनस्टॉन नंबर वगैरह का। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपल अगर हमें सिंपल वैल्यू असाइन करनी है तो हम सिंपल असाइनमेंट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंटेक्स की। तो फर्स्टली आपका अपना डेटा टाइप, आपको अपना डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद जो हमें डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम लिखना है। ठीक है, पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा आपको, फिर वेरिएबल नेम, फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। उसके बाद किसी भी वैल्यू को असाइन करते करके वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में, इसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे इक्वल टू का यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू का यूज़ करके, माइनस इक्वल टू का यूज़ करके, जो भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ठीक है, डेटा टाइप सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू मीन्स दैट असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू मीन्स दैट इंट ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इंट क्या होगा, इंट एक हमारा होगा डेटा टाइप, ए होगा हमारा वेरिएबल नेम और 10 होगा इक्वल टू होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, 10 होगी हमारी जो है वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया है इंट। ठीक है, इंट हमारा डेटा टाइप है और वेरिएबल है ए। यहाँ पर हमने 10 वैल्यू ले ली और यहाँ पर हमने 10 को हमने असाइन कर दिया
ए के नाम के वेरिएबल में, ठीक है, ए के नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अब जब हम ए को प्रिंट कराएंगे ना तो अपने प्रोग्राम में, तो हमारा रिजल्ट जो है वो 10 मिलेगा, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू 10 ले रखा है हमने, ठीक है। हम ऐसे किसी ऑपरेंट को भी असाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में, जैसे ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो असाइन किया है, एक कोई ऑपरेंट है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching.